हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पहाड़ी खुराफात। और अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और आज शिवरात्रि का दिन है। सो अभी अभी मुझे मेरे दोस्त सनी का फ़ोन आया था और उसने कहा कि हम लोगों को आज शिवरात्रि पे कहीं जाना चाहिए। सो दैट्स वाई हमने कुछ प्लान बनाया। हम लोग एक मंदिर में जा रहे हैं, वो कौन सा मंदिर होने वाला है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सो अभी हम लोग फ्रेश होने जा रहे हैं और आगे के क्या क्या सरप्राइज़ होने वाले हैं और कैसे कैसे व्यूज़ रहने वाले हैं वो हम आपको पूरी वीडियो में बताएंगे। और आगे का देखने के लिए वीडियो में बने रहें। बाय। तो सब ऑल सेट है और अभी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ और उसके बाद का सफ़र मैंने बाकी अपने दोस्तों को भी कॉल करके बोल दिया है। और बाकी हमारे इस ट्रैक में हमारे साथ कौन कौन रहने वाला है वो भी आप सबको दिखा देंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ ब्रश करने और मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। हम लोग अब आगे का सफर अब यहाँ से शुरू करने वाले हैं। सो अपने मैडी भाई से पूछ लेते हैं। मैडी भाई, आर यू रेडी? हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सन्नी को रिसीव करने और सन्नी मेरा भाई हियर आई एम और आ चुका है यहाँ पे बाकी की गैंग। आप देख सकते हो मैडी स्टीयरिंग व्हील पे। काफ़ी टाइम से हम लोग जाम में फंसे थे और अब काफ़ी मुशक्कतों के बाद ये जाम खुल गया है और काफ़ी गाड़ियां आप देख सकते हो। बहुत बड़ा जाम लग गया था एक्चुअली। यहां पे ना रोड की कटिंग चली है सो आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो आप टायर देखो इस बंदे ने बस पता कहां से चढ़ाई देखो टायर देखो लगा लगा बहुत बड़ा जाम दोस्तों आप देख सकते हो। सो काफी ट्रैफिक का आप देख सकते हैं। देर बाद रोड खुला है और मैडी भैया एक्सीलेटर पे पैर रखिए और जाने दीजिए सीधा। रोड की हालत आप लोग देख सकते हैं कितने मुश्किलों से हम यहाँ से क्रॉस हुए और मशीनरी 24 आवर्स यहाँ पे। मैडी भाई ने टैंक फुल करवा लिया है तो अभी हमने जाना बहुत दूर है। सो दैट्स व्हाई यहीं से मार्केट से हमने पेट्रोल डलवा लिया है अभी। और बाकी की गैंग अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? सन्नी क्या कहना चाहोगे? एक्सपीरियंस भैया अभी तक किया नहीं है, अभी तक कस्टम से किया नहीं है, अभी तक रेंट हुआ। हाँ सभी बस मैडी भाई सही सलामत पहुंचा दे तो अच्छा ही रहेगा। ब्रजू ऑल गुड ब्रो। और अभी हम ऑन द वे ही हैं। सो यहाँ पे काफ़ी गर्मी भी है और हम लोग सब ने जैकेट्स पहने हुए हैं और मैडी टैंक फुल करवा के से ड्राइविंग सीट पे तो आगे का सफर कंटिन्यू। ये देखिए सीवी की खुदाई। हेलो दोस्तों, हम यहां पे पहुंच चुके हैं बालू पुल के पास। और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका मैडी भाई? बढ़िया बढ़िया सर। और सैवी क्या क्या बोलना चाहोगे? बहुत ही बढ़िया जस्ट अमेजिंग। और यहां पे भूख का अलार्म पीछे शुरू हो चुका है अपने भाई का सन्नी का। और
सनी ज्यादा भूख तो नहीं लगी है ब्रो? ये थोड़ा कैमरा ऊपर करना। मैं वेट कर रहा था और उसको, वो हमारे साथ आ चुका है, तो सूरज के साथ मिलवा देता हूँ आपको, जो इस ब्लॉग में हमारे साथ चलेगा, जहाँ पे सूरज के साथ भी मिल लीजिए। ये हमारे, देखते हैं आगे सफ़र कैसे होता है। हेलो, ये सूरज ऑफिशियल, जो कि मेरा बैकबोन ही समझ लो एक तरह से, अपना खास भाई मेरा। और आगे का सफ़र हम दिखाते हैं कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो अभी तक सस्पेंस है। मिलते हैं थोड़ी देर। कैसे जिम ट्रेनर है ये, कैसी 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 जिम ट्रेनर के हालत तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। अपना गाना आएगा तू एब्स लेकर आया था और मोटा होकर जाएगा अपना गाना। हेलो व्हाट्सअप गाइस, चलते चलते बोर हो चुके हैं, करना था कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लोग के प्रभु करना। इनकी हो गई, इनको रहने दो भाई, ये भाई शायर है, आशिक लोग है। ओके ओके ओके, मैं भाई जो ना सवाल सो बस आधा चलेगा। हां तो फाइनल ने की ताली मारेगा वो। ओके सो अब हम कहाँ पे पहुंचे वो मुझे पता नहीं, जैसा कि ये बोल रहे कि यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ से गिरना शुरू कर दिया। यहाँ पे भूत होते बोलते, घोस्ट घोस्ट, जो मैंने पूछा कि मैं वो कौन सी मूवी यार, वो क्या नाम है उसका, ये इसका बोलते फन अप्रिशिएट, नहीं नहीं एम भाई, एम भाई एम अप्रिशिएटेड अप्रिशिएटेड ब्रो, कर दो महाकाला तू ही लाला, बाकी सब कंगाला, तूने ही पाला संभाला टाला रे काला। महाकाला तू ही लाला, बाकी सब कंगाला, तू ही तो है भोला भाला, बाकी दुनिया छाला बाबा। नमा नमा शिवाया, शिवाया का साया, साथ में ना चढ़ करवाया। नमा नमा शिवाया, राजी ऑन द म्यूजिक आई यूज। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं, यहां से हमने लिंक रोड लेना है अपने, जहां हम जा रहे हैं हम सभी लोग। सो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, तो इसके बाद हम यहां से थोड़ा ही टाइम लगेगा हमें वहां पे पहुंचने में। महाकाला तू ही लाला, बाकी सब कंगाला, तू ही तो है भोला भाला, बाकी दुनिया छाला बाबा। नमा नमा शिवाया, शिवाया का साया, साथ में ना चढ़ करवाया। नमा नमा शिवाया, राजी ऑन द म्यूजिक आई यूज इट। हेलो दोस्तों, सो हम यहाँ पे अभी थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुके हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जंगल से लकड़ियाँ काट के इन्होंने रखी हैं, गवर्नमेंट की लकड़ियाँ हैं सारी। काफ़ी अच्छा व्यू देख सकते हो आप लोग, और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं, आगे का सफ़र ऐसे ही रहेगा, और जहाँ अब जहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होनी है वो आपको दिखा देंगे। तो आप यहाँ का व्यू देखिए आप, अल्टीमेट व्यू, और बहुत अच्छा व्यू, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। हेलो 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 हेलो, तो चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, ये पहाड़ी खुराफा जी हमारे हैं भाई जी। Just for story, है ना? चढ़ो।
बाद में करते थोड़ा अपडेट आपको, ठीक है? ओके तो दोस्तों हमारा ट्रैक यहाँ से शुरू हो चुका है, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता और आगे, और हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे और वहाँ का व्यू कैसा रहने वाला है वो सब आपको दिखाएंगे हम, और कितना दूरी पे है वो भी आपको पूरी डिटेल बताएंगे। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता, और ये हमारी टीम पूरी फुल जोश में चलती हुई फेमस मंदिर है, बहुत ही अच्छा पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा वहाँ का व्यू, और आगे का रास्ता आप देख ही रहे हैं। इस ट्रैक की एक खासियत ये भी है कि जो यहाँ के रास्ते हैं वो बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, बहुत ही प्यारा अद्भुत नज़ारा, और ऊपर बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है और 6 बजे तक वहाँ पे पंडाल में हमारी बारी आना, हमें दर्शन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो देखते हैं आगे क्या बनता है, देख सकते हैं फ्लैक्स फ्लैक्स करते हुए लोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाउ इज द जोश बॉयज? हाय सर, नेक्स्ट लेवल। ओए ऊपर सर बच गया था, चलो स्पीड नहीं करनी कम। अब तो टांगे शाम किधर चल रही है, ऐसे थोड़े रह गए अब, कितना करें पहाड़ी खुराफत इन द फ्रेम। हां ना तुम लगा ना मेरे ना आज जगह है ना कड़ी है और तो जोश बॉय फुल पावर लड़का जोश में यार। वेल आपको ब्लॉग में विद इन 1 वीक आपको मिल जाएगा इनके चैनल पे, थोड़ा यार तो मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं। सो आप लोग देख सकते हो खचाखच लोगों से भरा हुआ ये मंदिर का परिसर, और काफ़ी प्यास लगी है। दिस इज द मेन कैंपस ऑफ द्वाट महादेव एंड यू कैन सी द लॉट्स ऑफ पीपल हियर एंड दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द्वाट महादेव। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। तू भी कर दो यार। ये मैं आपको एक सीन दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये हमारे हिंदू धर्म में देवताओं का भी काफ़ी रोल रहता है ऐसे फेस्टिवल्स पे, ऐसे ऐसे त्यौहारों पे, ऐसे ऐसे दिनों पे। पहाड़ी में कह रहे हैं आप, जो समझ सकते हैं वो समझ लें। आपके पास से मार ये मंदिर का पूरा परिसर है, देख सकते हो आप द्वार महादेव डिस्ट्रिक्ट चंबा। आई थिंक हमने काफ़ी लेट कर दिया, सुबह जल्दी आ रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस इंसान को देखिए ध्यान से, इसकी वजह से हम लेट हुए, इस इंसान को बहुत सजा मिलने वाली है। क्या नहीं, मैंने और आप सभी देख सकते हो रश, बहुत बहुत ज़्यादा बंदे यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, ऊपर तक वहाँ से पूरी लाइन लगी हुई है। जैसे ये वाली नीचे वाली लाइन ख़त्म होगी उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आएगा। लोग देख सकते हो बहुत ही सारे लोग, और ये हमारे एक भगत जन और इतनी चढ़ाई चढ़ गया है, बोलोगे कुछ? बम बोले बोल दो। जय
जय बोल देना फिर जोर से, ठीक है? जय। खच्चा खच्चा भरा हुआ है और बीच में ये जो वॉइस है ये पूरा मंदिर है, एक 360 व्यू देख सकते हो, जोश देख सकते हो आप, ये जोश सिर्फ महाशिवरात्रि पे ही आप लोगों को देखने को मिलता है। भोले की पुट्टी का सर, भोले की पुट्टी का सर आप साफ साफ देख सकते हो। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। दोस्तों सो हम लोग घर जाने के लिए टोटली रेडी हैं और मेरे पीछे का व्यू आप देख सकते हो और बिल्कुल सुहावना मौसम यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। आप पीछे देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा और यहाँ से जंगल शुरू हो रहा है। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं आप, वापस घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और सारे ये एमी भाई जा रहे हैं। मौसम भी खराब हो रहा है, कोहरा हो रहा है, हो सकता है कि ज्यादा मौसम खराब हो तो बारिश वगैरह का सीन हो सकता है। कैसा है ये सफर। हेलो दोस्तों, सो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी मज़ेदार दिन था आज, काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने और ये मेरा लाइफ का अभी फर्स्ट ब्लॉग था। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आगे भी ऐसे ब्लॉग बनाते रहें और आपको चंबा की या बाहर की अच्छी अच्छी जगहें दिखाते रहें, लोकेशन दिखाते रहें, तो लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चंबा के शेर मेरा नेक्स्ट ट्रैक बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा और आई होप वो भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।